हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे इंटीग्रेशन के 9 स्पेशल फॉर्मूले जो कि परीक्षा में प्रायः आते रहते हैं और उनसे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इनको याद करने के ट्रिक भी मैं बताऊंगा, फॉर्मूला भी मैं आपको लिखकर बताऊंगा और परीक्षा में जो सवाल आए हैं वो भी बताऊंगा। शुरुआत से अंत तक वीडियो में बने रहना, आपको 100% याद हो जाएगा। तो चलो यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये हमारा फॉर्मूले का पहला ग्रुप है, ग्रुप 1, बिना रूट वाले, इसमें कहीं रूट नहीं है। इसको बनाने का टेक्निक क्या है, तो सबसे पहले आप 1 रख के देखना कोई फॉर्मूला सेट हो रहा है कि नहीं। तो जैसे मैं यहाँ पे 1 रखता हूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, टैन इनवर्स का। तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/a टैन इनवर्स एक्स बटा a प्लस c, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। बट इसका फॉर्मूला नहीं बनता है, इसमें से दोनों माइनस वाले का। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे दोनों में 1/2a लॉग, दोनों में फिर मॉड लगा के छोड़ दीजिएगा। दोनों में लिखेंगे 1/2a लॉग और फिर मॉड लगाकर छोड़ दीजिएगा, प्लस से लास्ट में लिखना ही लिखना है। यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही लिख देंगे ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स। उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा भी चलेगा सुल्टा भी चलेगा, दोनों ओर से ये चलता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ भी वही काम करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपका अगर a प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा और अगर a माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b a माइनस b। लेकिन चूंकि a में माइनस लगा हुआ है तो ऊपर माइनस होगा, x माइनस a बटा एक्स प्लस a। उल्टा भी लिख सकते हैं करके, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है ये तीन फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। पहला फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x बटा a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज यही होता है। लेकिन कभी कभी इससे भी सवाल आ जाते हैं। इस दोनों में क्या करना है, 1/2a log, अगर रूट नहीं रहेगा तो रूट नहीं रहेगा तो 1/2a log, रूट नहीं रहेगा तो 1/2a log और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देना। एक बार a प्लस b, एक बार a माइनस b। अब नीचे अगर a में प्लस है तो प्लस ऊपर रहेगा और अगर a में माइनस है तो ऊपर माइनस रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बात मैं बताता हूं, इससे सवाल कैसा पूछा जाता है सो देखो, मेरे पास ये क्वेश्चन बैंक है, सवाल मैं यहीं से दे रहा हूं। एक कई बार तो ये देखो फॉर्मूला ही पूछ दिया 16 और 18 में, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया परीक्षा में, 16 में भी और 18 में भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया है। अब मैं वो भी टाइम बताऊंगा जब फॉर्मूला नहीं पूछा बल्कि इससे क्वेश्चन पूछा है। तो चलो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहां से आगे चलते हैं, मैं जरा इसको मिटा देना चाहूंगा। देखो बाबू कैसे बनेगा, क्वेश्चन दिया था 16-18 में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया। उसके बाद सवाल दिया था एक 19 में, dx बटा x स्क्वायर प्लस 16, इसका मान क्या होगा। एक नंबर का सवाल आया था पहला 1/16 टैन इनवर्स x बटा 16 और दूसरा है 1/4 टैन इनवर्स x बटा 4। अब प्लस में c रहेगा। मैं दो ही ऑप्शन दे रहा हूं, परीक्षा में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। 2019 में ये जवाब, ये सवाल पूछा था 2019 में। तुम बोलोगे सर बनेगा कैसे, बनाने का टेक्निक ये है, आप लिखोगे dx बटा x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और अब यहाँ पे ये हो गया हमारा x और ये हो गया हमारा a के बदले 4 है। क्या फॉर्मूला, 1/a, तो 1/a a के बदले 4 टैन इनवर्स x बटा a, x के बदले x और a के बदले क्या है 4 प्लस c। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उस फॉर्मूले पे हमने सेट कर दिया है, केवल a और x का मान दे देना है फॉर्मूला में, बन जाएगा। एक सवाल 2022 में पूछा है, 2022 में एक सवाल पूछा है, वो आप बना के उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे। मैं सवाल यहाँ पे लिख देता हूं, चलो ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। आप अगले का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, क्या मैं कह रहा हूं। चलो ध्यान से देख लो सब लोग। अगला प्रश्न है dx बटा x स्क्वायर प्लस 4, बोल रहा है इसका मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 1/2 साइन इनवर्स xy2 प्लस c, दूसरा ऑप्शन है 1/2 टाइम इनवर्स xy2 प्लस c। कमेंट बॉक्स में उम्मीद है आप इसका आंसर सही सही बनाकर बताओगे। तो तीन फॉर्मूले हमारे कंप्लीट हो गए। इस ग्रुप में 6 और फॉर्मूले हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर ही लेंगे आज। चलो इसको मैं मिटा देता हूं या आगे बढ़ता हूं। आगे रूट वाले फॉर्मूले हैं। पिछले तीन फॉर्मूले बिना रूट वाले थे और ये तीन फॉर्मूले रूट वाले हैं। रूट वाले में भी मैं जैसे वन रख के देखता हूं तो याद आ गया साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। वन रखोगे साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ पे ए है सो बटा ए रहेगा प्लस सी। एक बात ध्यान रखना बाबू, टेन वाला में आगे भी ए लगता है लेकिन इसमें आगे ए नहीं लगता है। साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। अब ये दोनों रूट वाले एक जैसे बनेंगे, एक में फॉर्मूला लगा था जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा वो एक जैसे बनेंगे। इसका सीधा आंसर हो जाएगा लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा। तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका भी वही लिखेंगे लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो दिया है वही रह जाएगा। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अभी हमने आपको बताया था कि पहले वन रख के देखना, अगर फॉर्मूला पे सेट हो गया तो सेट हो गया। एक आपका सेट हो गया था पिछले बार भी, एक इस बार भी सेट हो गया। जो नहीं सेट हुआ रूट वाले में, जो नहीं सेट हुआ फॉर्मूला पे, उसका एक ही जवाब लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है और उम्मीद है कि अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको सही सही ही बनाओगे, एग्जाम में आ भी सकता है। जैसे 22 में एक सवाल पूछा गया था, वो पिछले वाले में ही बन जाता, हमने ध्यान नहीं दिया, पिछले वाले में ही बन जाता, आप उसको बना लेना। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोले तो ये हो जाएगा dx बटा, ये इसका नहीं पिछले का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको सेट करके देखना कितना आता है। 2022 वाला सवाल तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाने वाला सवाल है, बिना रूट वाला और रूट वाला। तो बिना रूट वाला अभी बताए थे, रूट वाले में ये dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तो हो गया साइन इनवर्स एक्स, बाकी जो रूट वाला सेट नहीं होगा ना उसका लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। रूट वाले का लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, रूट वाले का लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, रूट वाले का लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, रूट वाले का लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। उम्मीद है याद हो गया होगा, आप खुद से लिख लिख कर देख लेना इसको। तीसरा ग्रुप में चलते हैं और ये लास्ट हो जाएगा। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका है, सभी में पहले x/2 फिर क्वेश्चन, सभी में x/2 और क्वेश्चन, x/2 और क्वेश्चन, फॉर्मेट ये है x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर / 2। उसके बाद आगे चलेंगे, आप जहां प्लस की आवश्यकता प्लस, जहां माइनस की आवश्यकता माइनस। तो ए में माइनस रहेगा तभी माइनस, फिलहाल ए में प्लस है तो हम लोग प्लस लिखेंगे। तो x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर / 2, ए स्क्वायर / 2। और जो रूट वाला होता था ना वो वाला आंसर, रूट वाले में क्या होता था इसका साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/a प्लस सी, x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर / 2। और जो रूट वाले में होता था वो आंसर यहां भी x/2 और क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए में प्लस है तो प्लस प्लस ए स्क्वायर / 2, ए स्क्वायर / 2। और जो रूट वाले में होता था इसका, रूट वाले में क्या था याद है आपको, रूट वाले में क्या था इसका, रूट वाले में था लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। तो एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। फिर से इसमें चलेंगे तीनों का फॉर्मेट क्या है, x/2 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x/2 क्वेश्चन और माइनस 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 ए स्क्वायर / 2, ए स्क्वायर / 2। माइनस क्यों लगाया, ए में माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, ए में प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे। ए स्क्वायर / 2, x/2 क्वेश्चन, फिर ए स्क्वायर / 2। उसके बाद जो रूट वाले में आंसर था, रूट वाले में अभी आंसर क्या था याद है आपको, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन प्लस सी। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा, x/2 क्वेश्चन फिर ए स्क्वायर / 2। अब उसके बाद जो रूट वाले में होता था ना, रूट वाले में वही लिखना है। इसका रूट वाले में हम पीछे पढ़ाए थे ना साइन इनवर्स x/a, इसका रूट वाले में पीछे पढ़ाए थे ना लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। इसका भी रूट वाले में पढ़ाए थे ना लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन। जरा सा पीछे चल के देखो, समझ में मेरी बातें आ जाएगी। पीछे चल के देखो, रूट वाले में लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, रूट वाले में लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन, रूट वाले में साइन इनवर्स x/a। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। आप एक बार वीडियो को फिर से रीड करके देखो। मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में बताया, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए थोड़े गति का भी ध्यान रखा है। आप इसको 2 बार 3 बार देख लोगे, समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। इससे सवाल परीक्षा में आते रहते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट भी आता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।